आर्मेनिया ने अब अज़रबैजान पर क्या आरोप लगाए? इसराइल ने सीरिया में क्यों एयर स्ट्राइक की? टर्की और ग्रीस में क्यों तनातनी बढ़ रही है? आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। सऊदी अरब ने हाउती विद्रोहियों के ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। इससे पहले भी हाउती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में ऑयल फील्ड को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक किया था। सऊदी अरब इन बागियों के हमले के लिए ईरान को दोषी ठहराता रहा है। आर्मेनिया के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया है कि अज़रबैजान अब भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। आर्मेनिया का आरोप है कि नागोर्नो काराबाख के कई इलाकों में अज़रबैजान अब भी सैन्य अभियान चला रहा है। इसराइल ने सीरिया में आतंकी ठिकानों पर हुए हमले का वीडियो जारी किया है। इसराइल ने सीरियाई और ईरानी आतंकियों के 8 ठिकाने को IDF अटैक के जरिए तबाह कर दिया। इस हमले में 10 आतंकी मारे गए। तुर्की ने कहा है कि अगर ग्रीस अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदता है तो इसके खिलाफ रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका पहले ही तुर्की को चेतावनी दे चुका है कि अगर उसने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल किया तो उसके खतरनाक परिणाम होंगे। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया है। नतांज न्यूक्लियर प्लांट में ईरान ने UF6 गैस का इस्तेमाल किया। परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान का अमेरिका, इसराइल और उसके सहयोगियों से विवाद है। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगर ईरान पर लगाए गए बैन हटाते हैं तो ईरान 2015 में हुए परमाणु समझौते का सम्मान करेगा। थाईलैंड में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की है। इस फायरिंग में 6 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। थाईलैंड के PM ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाने की अपील की है। थाईलैंड में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की है। इस फायरिंग में 6 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। थाईलैंड के PM ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाने की अपील की है। फ्रेंडशिप 2020 के जरिए रूस और पाकिस्तान वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके तहत रूस और पाकिस्तानी सैनिकों ने आतंकियों के कब्जे से एक शहर को मुक्त कराने का अभ्यास किया। इस दौरान जमीन और आसमान के जरिए ताकत का प्रदर्शन किया गया और आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।